इतने बड़े अलॉय व्हील इतनी छोटी गाड़ी में तो बहुत ऊंची हो गई है। एक मतलब समझ लो कि एक बलिनो i20 जितनी उससे भी ऊंची हो गई है। उससे भी ऊंची है भाई, बलिनो i20 से भी बहुत ऊंची है ये। ऐसी मॉडिफिकेशन ना आपको ये पंजाब साइड ही मिलने वाली है, कुछ खतरनाक लेवल वाली है ना। स्टीयरिंग का क्या खर्चा आया था इसका? 3,350 रुपए का खर्चा, 3,350 के आसपास का इसका खर्चा था। यहाँ ये जहाँ भी मतलब चली जाती है ना, हाँ। वहाँ पे लोग खड़ जाते हैं, मतलब खड़ के देखने लग मतलब रुक के देखते हैं कि भाई ये जा क्या रहा है। ये देखो आप पीछे देख सकते हो कि ये देखो ये सब वीडियो बनाने के फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं इस गाड़ी के साथ भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगा और मस्त होगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। 800 आपको यार बहुत सारी दिखाई है हमने, तो आज की जो 800 रहने वाली है यार बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बनाई हुई है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, carseries.net और शिवा कार एसेसरीज। मतलब आपको जो भी वेबसाइट का लिंक वगैरह वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपकी कार है, जैसे कि भाई नई हो पुरानी हो, जिसपे भाई लाइट्स की दिक्कत आ रही हो, मतलब A to Z आपका लाइट्स का सोल्यूशन रहने वाला है। मतलब कि आपके हेडलाइट बहुत ही ज़्यादा कमजोर है या मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं है रोड पर, तो भाई उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अपनी LED लाइट हो गई, कितने भी वोट आपको चाहिए, जो भी जितना भी वोट आपको चाहिए, 100, 120, 180, 200 वोट, 300 वोट, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगी इसी वेबसाइट पर। और प्रोजेक्टर चाहिए, प्रोजेक्टर भी आपको मिल जाएगा, GTR, IPH वगैरह, अपना जो भी ओवरऑल जितने भी अपने प्रोजेक्टर होते हैं तो सारे वहीं पर ही आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी प्राइसिंग रेट के साथ। और बात करें तो पेमेंट ऑप्शन वगैरह क्या क्या रहने वाले, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पेमेंट्स मेथड भी आपको बहुत सारे इस पर मिल जाएंगे, जैसे EMI हो गया अपना। और अगर बात करें तो टेल लाइट्स अगर चाहिए किसी भी कार की, टेल लाइट्स हो गई और स्पॉइलर हो गए, मतलब टोटल A to Z अपने एसेसरीज आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जाके भाई डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वेबसाइट मिल जाएगी, क्लिक करो एंड ऑर्डर करो। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इतनी दूर दूर जाके हमने वीडियो बनाई है, तो भाई पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो जैसे कि भाई ये देखिए, तो फुल अल्टीमेट रहने वाली है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है भैया, तो कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप बताइए भाई। बिल्कुल बढ़िया, और गाड़ी देख रहे हो भाई, ये ऐसी लग रही है जैसे मॉन्स्टर कार हो ना भैया। बिल्कुल। तो ये 800 तो भाई कहीं से अब लग ही नहीं रही, अगर साइड से कोई देखेगा कि भाई यार ये है कौन सी, कुछ समझ नहीं आ रहा है साइड लुक से। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बस कोई देखेगा तो फ्रंट से पहचान सकता, फ्रंट से पहचान सकता ना, क्योंकि भाई साइड से इसके जो अलॉय है ना यार वो बहुत ही ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। जो इसमें कंपनी साइज आता है 12 आता है, 12 इंच आता है। इंच होता है, अभी हम बताएंगे कि है कितने इंच, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ना आगे आते हैं, तो सबसे पहले ये बताओ भैया कि इसका मॉडल वगैरह है कौन सा इसका? ये 2004 मॉडल है, 2004 मॉडल। और जैसे कि अभी हम कहाँ पर हैं? ये हम लुधियाना के 39 सेक्टर में। अच्छा, लुधियाना के 39 सेक्टर में। तो भाई ऐसी मॉडिफिकेशन ना आपको ये पंजाब साइड ही मिलने वाली है, कुछ खतरनाक लेवल वाली है ना। तो भाई ने फुल अल्टीमेट बनाई हुई है। तो जैसे आपने बताया 2004 मॉडल, हाँ जी। तो ये रिन्यू वगैरह कराई है? रिन्यू वगैरह हुई है, 2026 तक पासिंग है। अच्छा, 2026 तक पासिंग है। तो भाई सबसे पहले ना बात करते हैं कि भाई कहाँ से मतलब कि शौक चढ़ा कि भाई इतने बड़े अलॉय व्हील इतनी छोटी गाड़ी में? बस
एक शौक था कि मतलब पहले पड़े हुए थे इसमें 13 इंच डले हुए थे, पहले 13 थे, 13 इंच थे, ठीक है, और मेरा शौक था कि मैंने बड़े अलॉय डालने, बड़े डालने अलग चीज करनी है, मतलब कुछ अलग, अलग सबसे देखो 15 तक चले जाते हैं, 15 तक चले जाते हैं, 16 तक भी चले जाते हैं मारुति में, अभी बताएंगे है कितना, अभी रुके रहना, उससे पहले स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो जो इसका फ्रंट फेस है ऐसे था भाई, कुछ ग्रिल वगैरह, ये सारा ये क्रोम सिस्टम बनवाया है, ये सारा ना किट आती है ये, अच्छा अच्छा क्रोम की किट है पूरी, हाँ, है ये पूरी हेडलाइट वगैरह सारी क्रोम की किट डलवाई है। ये देखो और नीचे भाई ने फ्लैशर लगाया है, व्हाइट फ्लैशर, तो ये देख सकते हो ये फ्रंट से कुछ इस तरीके, हूटर वगैरह भी रहने वाला सारा कुछ है, और भाई साहब मतलब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा धमाका है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, मतलब जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ी में देखने के लिए मिलता है ना, वो सारे वो सब चीज लगा, और बल्कि उससे ज्यादा स्टीयरिंग वगैरह भी चेंज है, चेंज है सब। तो भाई साहब अब आते हैं साइड की लुक, तो भाई ने ना ये ड्यूअल टोन में कराई, इतनी ये पूरी ब्लैक रैप है, मतलब कि रैप कराया हुआ है ऊपर, तो ये देख सकते हो, और क्रोम जैसा बताया भाई ने, पूरी क्रोम किट है, ये क्रोम हो गया, इधर फेंडर पे इंडिकेटर आता है इसका, तो ये देख सकते हो ये भी चेंज है, ये भी मॉडिफिकेशन वाला, हाँ जैसे ये अल्टो वाला आता है अपना, वो है ये, इसमें हाथ से चेंज, नहीं तो इसमें पतला सा आता है, पतला सा आता है, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। तो ये है अब साइड लुक इसकी, तो भाई ये है कितने, 19 है, 18 है, 20 है, कितने है ये, 18 है, 18 इंच के अलॉय व्हील। तो अगर मैं प्रोफाइल अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये है 225/40R18, 18 इंच के अलॉय व्हील है, और भाई इतने बड़े हैं ये, बहुत ही ज्यादा, 12 आता है इसमें और 12 से सीधा 18। आजकल बंदे स्विफ्ट वगैरह या ब्रीजा वगैरह भी नहीं डलते हैं, जब मैं डलवाने गया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये डलेगा नहीं, डलेगा ही नहीं, डलेगा नहीं, ये मारुति में डलना नहीं है, पर मैंने बोला कि नहीं मैंने डलवाना। अच्छा जिद पे अड़ गए, जिद पे अड़ गए मैंने, तो भैया ने सोचा था कि भाई कुछ कराना, जितने मर्जी पैसे लगे पर मैंने डलवाना। अच्छा फिर डाल के दिए उन्होंने, डाल के दिए, तो पब्लिक रिएक्शन कैसे होंगे इसके? बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग, वहाँ पे खड़े खड़े जिस जहाँ से डलवाया मैंने, वहाँ पे खड़े खड़े लोग पूछने लगे कि यार ये क्या करवा रहे हो, ये क्या करवा रहे हो ना। बहुत बंदे कहेंगे अबे भाई ये क्या करवा दिया, इतनी छोटी गाड़ी इतने बड़े। देखो भाई शौक है, भाई का शौक तो भाई ने करा, भाई के पैसे थे, भाई ने लगाया, तो देखो सारी चीज ये है। और अब दिखाऊं तो ये लगे कैसे हैं, तो बिन स्पेसर के नहीं लग सकते क्योंकि अंदर टच होंगे, बहुत ही ज्यादा बड़े अलॉय व्हील है, तो अंदर स्पेसर है, इसके अंदर डले हुए कन्वर्टर वाला, नहीं कन्वर्टर नहीं है, चार नट के हैं, तो चार नट के हैं पर कन्वर्टर है इसमें, ये स्विफ्ट वाले डले हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये मारुति का हब दूसरा होता है, इसमें स्विफ्ट वाले अलॉय होते हैं, ये बिल्कुल 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 कन्वर्टर डला हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल मारुति के हब के आते नहीं है, 18-17 भी नहीं होते। अच्छा तो ये देखो भाई, इधर से भाई ने ये अंदर से कटवाई है, क्या करा था पूरा सारा कुछ कटवाया है अंदर, ये चीज को अंदर किया ठोक ठाक के, ये चीज इसके अंदर भाई ठोका, नहीं तो इतनी होती है ये, इतनी होती है इतनी, ये सब अंदर किया है, और ये फेंडर भी भाई इतना होता है, ये पूरा इधर से उधर तक पूरी कटिंग है, तो आगे से भी लिफ्ट है ये, आगे से भी लिफ्ट है, तो आगे से भी भाई ने उठवाई हुई है, अंदर ये ब्लैक पेंट कराया हुआ जो जंग जंग ना लगे, तो अलॉय व्हील है। तो कैसा रिस्पॉन्स है इसका? रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्स है, यहाँ ये जहाँ भी मतलब चली जाती है ना, हाँ, वहाँ पे लोग खड़ जाते हैं, मतलब खड़ के देखने लग मतलब रुक के देखते हैं कि भाई ये जा क्या रहा है, ये देखो आप पीछे देख सकते हो कि ये देखो, ये सब वीडियो बनाने के फोटो खिंचवाने के लिए आए हैं इस गाड़ी के साथ। भाई वाह, देखो मतलब एक प्यार है यार ये ना, जो इंडिया के बंदे है ना जिन्होंने स्टार्टिंग करी है कार की, तो भाई वो किसी ना किसी जो भी मॉडिफिकेशन में सबके पास थी, एक ना एक टाइम पे है ना, सबके पास होगी भाई ये पिछले टाइम पे, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट थी, इसकी जो फेस वगैरह यार बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो मतलब सभी एक मिडिल क्लास बंदों की यार फेवरेट कार थी, एक नंबर, बिल्कुल जी। तो ये है कुछ इस तरीके, तो कितना क्या खर्चा आ गया था इनको लगवाने में? इसको लगवाने में आ गया कम से कम 70,000 रुपए का खर्चा, 70,000 रुपए का। तो आगे से लिफ्ट है ना, आगे से लिफ्ट है, ये स्पेसर पड़े हैं, अलॉय पड़े हैं, टायर पड़े हैं, पीछे से भी है सब, शॉकर वगैरह सब चेंज है, शोकर इसके, हाँ, वही शोकर चेंज किया उन्होंने, शोकर चेंज है। अगर मैं पीछे से दिखाऊंगा ना आपको, इसका नीचे का सारा वो दिखेगा, ये देखो, ये भाई ने रेड पेंट कराया हुआ है, ये देखिए भाई, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये हो गई साइड। अब एवरेज की बात करें तो क्या एवरेज वगैरह देती है? एवरेज अभी तक देखी नहीं है, मतलब एक अप्रोक्स आइडिया होगी 5-6 की, ज्यादा से ज्यादा 5-6 की, क्योंकि देखो भाई तो पुलिस वाले ने कभी रोका इतनी, मतलब ऐसी मॉडिफिकेशन देख के, अब ऐसी कंडीशन देख के नहीं, जेट ब्लैक है जिस तरह के रोक लेते हैं, बस कोई बात नहीं, वैसे चलान होता है फिर चलान भर देते हैं, कोई नॉर्मल ही है, ज्यादा बिल्कुल देखो ये तो है। अब आते हैं पीछे की तरफ, ये ऐसी कुछ रहने वाली पीछे से, तो इसकी ये अपनी टेल लाइट चेंज, इसमें ये वाली नहीं आती थी, दूसरी ये स्मोक कराई हुई है, हाँ हाँ, और ये वाली नहीं आती थी इसके अंदर, दूसरी लाइनिंग वाली, लाइनिंग वाली आती थी। तो ये है पीछे से कुछ इस तरीके की। अब आते हैं अंदर की तरफ, उससे पहले भैया डिग्गी में दिखाओ सिस्टम वगैरह क्या रहने वाला है, जैसे कि हम भाई पंजाब में खड़े हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि गाड़ी में सिस्टम ना हो, ये तो ये देखो डिग्गी में सारा सिस्टम, सोनी पाइनर, ये पाइनर ही है ना, पाइनर है, पाइनर और सोनी, और ये अपना एक एल्पाइन का एम्प हो गया। अब आते हैं अंदर की तरफ, अंदर भी भाई ने ना बहुत अच्छा काम कराया हुआ है गाड़ी के हिसाब से, जैसे इतनी छोटी गाड़ी है, आ जाओ अंदर आ जाओ उस तरफ से।
तो भाई ये देखोगे इसकी जो भाई नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस है ना इतना है जितना एक स्कॉर्पियो का वो फुट स्टेप रहता है ना उतना तो हो ही गई होगा ना। हाँ जी तो बहुत ऊंची हो गई है ये, मतलब समझ लो कि एक बलिनो i20 जितनी उससे भी ऊंची हो गई है। उससे भी ऊंची है भाई, बलिनो i20 से भी बहुत ऊंची है ये। अगर देखोगे ना इतना कुछ गैप रहने वाला है। तो अंदर दिखाया जाए तो ये गत्ते पेंट है, ये क्या करा ये सर? ये वो मॉडिफिकेशन होते हैं ये। अच्छा रैक्सीन है ये, रैक्सीन है इतना पार्ट ये, और ये वुडन वाले पैनल लगे हुए सारे। ये स्टीरियो लगा हुआ है, ये एटमोसफेयर वाली लाइट होगी, पैडल्स अपने डले हुए हैं, स्टीयरिंग देखो भाई साहब। तो इसमें हॉर्न यही रहता है? अरे वाह भाई, रूट्स के हॉर्न है ना। तो ये कुछ इधर से रूट्स के हॉर्न, चाबी देखो, अगर चाबी देखोगे ना तो तुम नहीं पहचान पाओगे कि भाई ये 800 है ये कौन सी है ना। बिल्कुल, कोई मांगेगा ले भाई ले चाबी, वो सोचेगा कि भाई कौन सी गाड़ी है। तो देखो जो भाई ये तो 800 है। जब कहीं बैठते हैं तो जब ये गाड़ी की चाबियां, तीन चार गाड़ियां रखी रहती है, चाबी रखी रहती है, तो कोई बोल नहीं सकता कि ये मारुति की चाबी है। उन्हें ये नहीं पता कि जितनी उसमें खड़ी होंगी उसमें सबसे ज्यादा पैसे इसी गाड़ी में लगा हुआ है भाई साहब। ये तो है। तो देखो ये देखो इस तरीके से पीछे सीट कवर वगैरह रहने वाला है। मेरे को लग रहा है कि दो से ज्यादा बंदे तो नहीं बैठ पाएंगे इसमें, या बैठा ही नहीं, बैठ जाते हैं। टच नहीं होती फिर? टच फिर नॉर्मल तरीके से चलानी पड़ती है, आराम आराम से। ये तो है। मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चली जाती है? मैक्सिमम 70 तक जाती है। 70 तक बबलिंग वगैरह तो होती होगी? बबलिंग होती है, 18 पे बबलिंग होती है, पर ये 70 चली जाती है। स्टीयरिंग टाइट होगा इसका? हाँ स्टीयरिंग टाइट होगा, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग नहीं आती। पावर स्टीयरिंग नहीं आती। तो भाई ये देखो स्टीयरिंग कुछ इस तरीके। स्टीयरिंग का क्या खर्चा आया था इसका? 3,350 रुपए का खर्चा, 3,350 के आसपास का इसका खर्चा था। तो ये सारी चीज हो गई, गियर नॉब वगैरह आप ये देख सकते हो। और पीछे आपको दिखाई दिए एक सेट ओवर लग रहा है, एक अपना बूफर लगा हुआ है। कब आउटपुट सुनाने वाले, किस तरह की आने वाली है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं। अब सिस्टम की बात करो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बज रहा है ना, बेस वगैरह वोकल वगैरह सारी चीज। तो हमने टोटल ओवरऑल सारी चीजें दिखा दी भी है, कुछ और भी रह रहा है? हूटर रह रहा है। तो देखो हूटर आपको पता ही कैसा रहता है, कैसा चलता है, वो आपको दिखाया हुआ हमने बहुत सी वीडियो में। तो एक बाल्टी है, दो बाल्टी रहने वाली है? एक बाल्टी रहने वाली है। तो देखो सारी चीज हमने दिखा दी। अब बात करते हैं कि देखो इतनी छोटी गाड़ी बंदा वो रखता है कि जिस मिडिल क्लास बंदा हुआ ना। देखो मेरे को लगा भाई भी मिडिल क्लास है अपने ना, तो भाई ने तैयार करी हुई है पूरी दिल से गाड़ी। देखो पैसा लगता है, देखो चाहे कोई कैसा भी बंदा हो, तो जिगरा चाहिए भाई इतनी छोटी गाड़ी को इतनी बढ़िया तैयार कराने के लिए, और सारी चीज, और एक जिगरा और पैसा दोनों चाहिए, और एक शौक। अब ये बताओ है ना, देखो शौक है जब ये हो पाए, नहीं तो 12 इंच तक रहते, 13 इंच तक रहते है ना। तो ये बताओ कि कितना लगा दिया भाई टोटल पूरी गाड़ी में? मेरा लमसम 2 लाख लग गया है, 2 लाख रुपए के आसपास। और एक चीज और दिखाऊं, ये नहीं एसी भी है गाड़ी में भाई, 2006 के आसपास में, इसमें शायद एसी नहीं आता था, 8 के बाद आता था। तो ऐसा कुछ रहने वाला है भाई, एसी वगैरह सारी चीज ओके रिपोर्ट है। इसमें भाई दो इवेंट आते थे अपने, दो इधर और एक उधर, 3 आते थे, ये खाली रहता था। तो ये है आज की वीडियो। तो भाई अपने इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है? मारुति 800 लव। तो जाके भाई को ना फॉलो करो, एक बार मैं पीछे दिखाता हूँ गाड़ी के ना, पीछे की तरफ लिखा हुआ है यूजर नेम वगैरह। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है भाई के इंस्टाग्राम आईडी। तो जाके भाई को फॉलो कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने आपका यार बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।